कनाडा में एक गांव है जिसका नाम शेलबर्न है। वहां एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता है और इस आदमी का नाम ब्रूस बीच है और इनकी उम्र 85 साल है। ब्रूस पहले अमेरिका में रहते थे और वहां पर ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 1960s में जब वियतनाम वॉर चल रही थी तब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने लोगों को ये मशवरा दिया कि वो बहुत सारा खाना जमा कर लें और अपने घर में एक वॉर शेल्टर भी बना लें ताकि अगर अमेरिका पर हमला हो तो लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। ब्रूस बीच ने जब ये बातें सुनी तो वो बुरी तरह से डर गए और इस सिचुएशन से बचने के लिए इन्होंने अमेरिका को छोड़कर कनाडा शिफ्ट होने का प्लान बना लिया। और 1970 में ब्रूस कनाडा के गांव शेलबर्न में आकर रहने लगे और यहां पर इनकी शादी भी हो गई। ब्रूस के दिल में हमेशा से एक डर था कि जल्द ही दुनिया में एटॉमिक वॉर शुरू हो जाएगी और यही बात इनके दिल में बैठ गई और धीरे धीरे करके इन पर एक जुनून सवार हो गया और वो ये कि ये एक ऐसी जगह तैयार करेंगे कि दुनिया में एटॉमिक वॉर शुरू हो जाए तो एटॉमिक वेपन्स इसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। ब्रूस की वाइफ जीन के पास इसी गांव में एक जमीन थी और ब्रूस ने इसी जगह को तैयार करने के लिए इसी जमीन को यूज करने का फैसला किया। 1980s में ब्रूस ने स्कूल बसेस खरीदना शुरू कर दी इनके गांव और आसपास के इलाकों में जहां पर भी स्कूल बसेस कम पैसों में मिल रही होती थी ब्रूस उन बसेस को खरीद लेते थे और एक एक करके इन्होंने 42 बसेस खरीद ली थी। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे थे? ब्रूस को ऐसा लगता था कि बस की छत किसी भी बड़े धमाके को झेल सकती है, लेकिन इनका प्लान कुछ और ही था। इन्होंने अपनी वाइफ की जमीन को खुदवाना शुरू कर दिया क्योंकि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनवाना चाहते थे जिसमें ये 42 बसेस खड़ी हो सके। ये गड्ढा 14 फीट गहरा था। इन्होंने इस बस को आगे और पीछे से खोल दिया और इन बसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये 42 बसों का 14 फीट गहरा एक बहुत बड़ा घर बन चुका था। ब्रूस ने इन बसेस पर मिट्टी और कंक्रीट की एक बहुत ही मजबूत छत बना दी ताकि किसी भी रेडिएशन और बड़े धमाके से बचा जा सके। दूर से देखने पर ही पता ही नहीं चलता था कि इस जमीन के नीचे आखिर क्या मौजूद है। ब्रूस पर इनके रिश्तेदार और इनके आसपास के लोग हंसते थे और ये लोग इनको पागल समझते थे, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि ब्रूस इस जमीन के नीचे क्या बनवा रहे थे। इन्होंने इस बंकर हाउस में 2 किचन भी बनवाए और खाने पीने की कई चीजें यहाँ पर स्टोर कर ली ताकि अगर कोई भी बड़ी वॉर हो तो इन्हें खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस अजीब घर में एक बहुत बड़ा स्टोर भी है जहां पर इन्होंने हथियार रखने की जगह बनाई हुई है ताकि अगर वॉर हो तो ये काम आ सके। इस घर में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी है जिसमें 5000 गैलन तक पानी स्टोर किया जा सकता है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर एक रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर भी है जैसे किसी आर्मी के कमांड ऑफिस में होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस घर में एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई बाथरूम्स भी बने हुए हैं। इस अंडरग्राउंड घर में एक सिक्योरिटी रूम भी बना हुआ है जहां पर पुराने टीवी सेट्स और कुछ कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं और यहीं पर बैठकर ये अपना पूरा घर मॉनिटर करते हैं। और अंदर से देखने पर यह घर एक वॉर बंकर की तरह लगता है। ब्रूस के मुताबिक इस घर में 350 लोग रह सकते हैं और इन्होंने इस घर का नाम आर्क 2 रखा हुआ है। अगर आप इस हाउस को देखो तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा गेट नजर आएगा, लेकिन इसके नीचे क्या है ये ऊपर से देखकर कोई भी नहीं समझ सकता और जो भी इस घर के अंदर जाता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। और आसपास के लोग जो इनका मजाक उड़ाया करते थे वो इस घर को देखकर बहुत ही हैरान रह जाया करते थे। ब्रूस की वाइफ और इनके 2 बेटे ब्रूस के इस जुनून से अब परेशान हो चुके हैं, लेकिन ब्रूस उनसे कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी वॉर शुरू होने वाली है और इनका ये घर इनके बहुत ही काम आएगा। और इस सब के अलावा ब्रूस एक काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने इस घर को अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए भी रखा हुआ है। इनके मुताबिक जब तक कि वॉर शुरू नहीं होती तब तक ये बच्चे यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। आपका इस घर के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो TheKnowledgeBook01 पर जाकर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना,
और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।